इंडस्ट्री से एक बहुत ही बुरी खबर आई है जो हम आप सबको देना चाहेंगे। खबर है कनाडा एक्ट्रेस को लेकर। जी हाँ, कनाडा की एक एक्ट्रेस का निधन हो गया है। फैट रिडक्शन ऑपरेशन की वजह से इनका निधन हुआ है, खबर ये कहती है। जी हाँ, बता दें हम आपको, 21 साल की टेलीविज़न एक्ट्रेस जिनका लिपोसक्शन सर्जरी हुआ था, फैट रिडक्शन प्रोसीज्योर के बाद खबर आई कि प्राइवेट फैसिलिटी जब उन्हें मिला वहीं पर उनका निधन हो गया। नाम उनका श्वेतना राज बताया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कनाडा सीरियल गीता और दो निशानी में वो नज़र आती थी। बता दें हम आपको कि डॉक्टर शेट्टी जिन्होंने कॉस्मेटिक सेंटर में उनका इलाज किया था राजानी नगर, बताया जा रहा है सुबह में, सोमवार की सुबह उन्हें एडमिट किया गया था। शाम की 6 बजे कॉम्प्लिकेशन हुआ उनके ट्रीटमेंट में। हॉस्पिटल ने उनके परिवार को बुलाया और इसके बाद आईसीयू फैसिलिटी में उन्हें भेजा गया तुरंत। डॉक्टर ने दोबारा हॉस्पिटल में उन्हें भेजा, कोई पल्स नहीं मिल रहा था और उसके बाद उनके निधन की पुष्टि शाम के 7 बजे हुई। पुलिस ये भी कह रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला निधन है। कंप्लेन फाइल किया गया चेतना के पिता वारादा राजू के खिलाफ, जो कि बिजनेसमैन है। बताया जा रहा है कि उनके पिता ने मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से उनके निधन की वजह बना दी कॉस्मेटिक सर्जरी को। कॉस्मेटिक सेंटर में नेग्लिजेंस को बताया जा रहा है। जी हाँ, वारादा राजू जो उनके पिता हैं, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ही कंप्लेन फाइल किया हॉस्पिटल के खिलाफ। वहीं आपको बताना चाहेंगे, सीआरपीसी सेक्शन 174 के अंडर केस दर्ज हुआ है, एक्शन लिया जाएगा मेडिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद, डीसीपी विनायक पाटिल ने कहा है। पुलिस ने एक्ट्रेस की बॉडी को परिवार को भेजा। पोस्टमार्टम होने के बाद एमएस रमाई मेडिकल कॉलेज में ही, हॉस्पिटल में ही उनका ऑटोप्सी हुआ और बहुत जल्द उनके निधन की वजह बताई जाएगी। 1.5 लाख रुपये उनसे लिया गया था फैट रिडक्शन सर्जरी के लिए और इसके बाद सर्जरी के बीच इस तरह का कॉम्प्लिकेशन से उनका निधन बहुत हैरान करने वाला सामने आ चुका है। माने अगर खबरों की तो एक्ट्रेस की ग्रैंड मदर ने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया, जिनका नाम नारायणमा बताया जा रहा है। उन्होंने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया अपनी पोती को लेकर कि वो अपने परिवार के खिलाफ एक्टिंग की दुनिया में जाने का फैसला ले बैठी थी। उनकी शादी ग्रेजुएशन के बाद कराकर उनका घर बसते हुए परिवार देखना चाहता था, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर फिल्मों की दुनिया में वो आना चाहती थी। एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए उनके मन में किसी ने बैठा दिया था कि वो मोटी हो गई है। परिवार समझाता था कि वो हेल्दी है, मोटी नहीं, लेकिन फैट रिडक्शन सर्जरी के लिए अपने दोस्तों की मदद से वो आगे बढ़ना चाहती थी। हॉस्पिटल ने भी परिवार की इजाजत के बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन करने का, फैट रिडक्शन सर्जरी करने का फैसला लिया। परिवार ने ये भी बताया कि अपनी मेहनत के बलबूते, अपने कमाई से पीजी एकोमोडेशन के बाद उन्होंने 4 महीने पहले जो है सो इकट्ठा किया था 92,000 रुपया और इसके बाद वो सर्जरी के लिए गई हुई थी। 1.5 लाख रुपये उन्होंने अपने परिवार से भी मांगा था सर्जरी कराने के लिए। परिवार वालों ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। हॉस्पिटल वालों ने भी बिना बताए ये इतना बड़ा ऑपरेशन करने का फैसला लिया। अब पुलिस पूछ रही है तो हॉस्पिटल इस पर कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ऑटोप्सी रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद, मेडिकल जाँच के बाद ही इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लिया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटल से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है पूरी इस वारदात का।